बीएससी पार्ट वन एल्गी के लेक्चर्स में आज हम लोग एल्गी की क्लासिफिकेशन या शैवालों का वर्गीकरण उसके ऊपर बात करेंगे। जो शैवाल होते हैं या जो एल्गी होती है, इसके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जैसे कि ये मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ज़्यादातर जलीय होते हैं। ये चलिए और अचल, मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और कुछ जो हैं वो एक कॉलोनी का निर्माण करते हैं जिसको सिनोबियम कहते हैं। एल्गी के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में, और बाकी सभी में सेल्स जो हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं जिसके अंदर गॉल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस पाया जाता है। और सेल्स जो है एल्गी माइक्रोस्कोपिक से बहुत सूक्ष्म से लेकर और काफ़ी बड़ी सार्गसम के समान इनकी संरचना हो सकती है। और जैसे मैंने बताया कि मुख्य रूप से ये ऑटोट्रॉफिक होंगी, अपना भोजन स्वयं बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट की मदद से। और ये इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दोनों प्रकार से, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का इसमें हो सकता है। ये सब में हम पहले पढ़ चुके हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ एल्गल सेल, इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर कि इसके क्लासिफिकेशन का आधार क्या है। इसके जो क्लासिफिकेशन निम्न बातों के ऊपर आधारित होती है। पहले ये कि इसकी सेल वॉल की संरचना क्या है, दूसरी कि इसके अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, तीसरे कि इसके सेल्स की और थैलस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये कैसे हैबिटेट में पाया जाता है, और फिर इसमें जो फ्लैजिला है या कशाबिका है वो कहाँ पे है, कितनी है, और उसकी पोजीशन क्या है, और इसमें रिप्रोडक्शन का आधार क्या है। इन सब के आधार के ऊपर जो एल्गी है उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। क्लासिफिकेशन में पहले जैसे अगर हम लोग बात करें तो इसमें शैवालों की जो प्रमुख है वो पिगमेंट्स के आधार पर एल्गी को चार मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता था। जैसे कि साइनोफाइसी, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है, जिसके अंदर मुख्य रूप से जो वर्णक या पिगमेंट है वो सी फाइकोसाइनिन है। उसके बाद क्लोरोफाइसी, जिसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता था। फियोफाइसी, जिसमें मुख्य रूप से फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है। और रोडोफाइसी, जिसमें मुख्य जो वर्णक हैं वो आर फाइको एरिथ्रिन और आर फाइको साइनिन पाया जाता था, आई आर फाइको एरिथ्रिन पाया जाता था। तो ये तो था कि मुख्य रूप से पिगमेंट्स के आधार पर इसको चार क्लासेस में डिवाइड किया था, साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। अब हम लोग बात करते हैं जो एल्गी की सबसे मुख्य रूप से हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो फ्रिश की क्लासिफिकेशन है। शैवालों का विस्तृत और जो आधिकारिक वर्गीकरण है ये सबसे पहले एफ ई फ्रिश ने 1945 में अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी में दिया था। और इसमें जो मुख्य रूप से जो इसकी जो वर्गीकरण है ये एल्गी में पाए जाने वाले पिगमेंट्स या जो वर्णक हैं और उनके फ्लैजेला कशाबिकाओं के प्रकार के ऊपर है। फिर इसमें कौन सा भोजन संचित होता है वो इसका एक आधार होता है। और इसके बाद इसमें कौन से मतलब मुख्य रूप से इसमें पिगमेंट और फ्लैजेला और रिजर्व फूड मटेरियल, इसके आधार पर फ्रिश ने 11 क्लासेस एल्गी की प्रस्तावित की हैं। वो हैं क्लोरोफाइसी, जैंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डायनोफाइसी, क्लोरामोनाडिनी, युगलिनी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और मिक्सोफाइसी। अब हम जो इसकी मेन क्लासेस हैं उसको ब्रीफली आपको समझाएंगे। जो क्लास क्लोरोफाइसी है इसको हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन, या इसको ग्रीन एल्गी कहते हैं, हरित शैवाल कहते हैं। इसमें जो मुख्य वर्णक होते हैं वो हैं ए और बी, और इसका जो संचित भोजन है वो इसमें स्टार्च होता है। और इसकी जो फ्लैजुला है अगर वो उपस्थित होती हैं तो वो विप्लैश टाइप की या प्रतोद प्रकार की होती हैं, समान लंबाई की होती हैं और एंटीरियर या अग्र दिशा में, अग्र एंटीरियरली इन्वर्स्ट इंसर्टेड होती हैं। तो और इसमें जो जनन है वो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस प्रकार का हो सकता है। तो ये हो गए मुख्य लक्षण क्लोरोफाइसी के। और इसको आगे
नौ ऑर्डर्स में डिवाइड किया है। उसमें जैसे अब आप पढ़ेंगे सिलेबस में तो वॉल्वोकेल्स है, क्लोरोकोकेल्स है और कीटोफोरेल्स है, कॉन्जुगेल्स है, ये सब इसके अंदर क्लोरोफाइसी में आएंगे। क्लोरोफाइसी के बाद जो सेकेंड वर्ग या सेकेंड जो इसकी क्लास है उसको कहते हैं जैंथोफाइसी। जैंथोफाइसी को येलो ग्रीन या पील हरित शैवाल, येलो ग्रीन एल्गी कहा जाता है जैंथोफाइसिक। और इसके जो मुख्य वर्णक हैं वो हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ई एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड ई, बीटा कैरोटीन और जैंथोफिल। और इसमें जो जो इसके मेन पॉइंट्स हैं, इसके जो प्लास्टिड्स होते हैं उसमें पायरेनॉइड एब्सेंट होता है, इसका संचित भोजन ऑयल होता है और ल्यूकोसिन होता है, और इसमें जो फ्लैजिला हैं वो दो होती हैं, वो दोनों असमान लंबाई की होती हैं, और जो छोटी होती है वो प्रतोद प्रकार की होती है और जो लंबी होती है वो टिंसल या कुर्च प्रकार की होती है। तो ये मुख्य कैरेक्टर्स हैं जैंथोफाइसी के। जैंथोफाइसी के बाद क्राइसोफाइसी, ये जो शैवाल क्राइसोफाइसी है ये भूरे नारंगी रंग के होते हैं मुख्य रूप से, और इनके जो मेन कैरेक्टर होता है इसमें ये भूरे नारंगी कलर के होंगे, और इनमें फाइकोक्राइसिन जो है वो मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके बाद आता है बेसिलेरियोफाइसी। बेसिलेरियोफाइसी जो है ये सुनहरे भूरे रंग के होते हैं, येलो टू गोल्डन ब्राउन होते हैं, और इसमें डायटम्स पाए जाते हैं, और इसमें जो मुख्य वर्णक हैं वो फ्यूकोसैंथिन और डाइटोजैंथिन और डाइडिनोजैंथिन प्रकार के मुख्य रूप से इसमें पिगमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पांचवें नंबर की क्लास है उसको क्रिप्टोफाइसी कहते हैं, और इनका रंग जो है वो भूरा या लाल रंग का होता है, और इसमें जो मुख्य वर्णक हैं वो जैंथोफिल और इसमें पायरेनॉइड के समान की संरचनाएँ जो हैं वो पाई जाती हैं। इसमें क्रोमेटोफोर नहीं होता है और संचित भोजन इसमें स्टार्च या तेल होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डायनोफाइसी। डायनोफाइसी के शैवाल गहरे पीले या भूरे रंग के होते हैं, और इनका जो मुख्य वर्णक है वो कैरोटीन और जैंथोफिल होता है, और इसमें जो संचित भोजन होता है मुख्य रूप से स्टार्च और वसा होती है, और इसमें गतिशील कोशिकाएँ जो होती हैं वो बायोफ्लैजिलेट होती हैं और कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी हुई होती है। इसके बाद आती है क्लास क्लोरोमोनाडिनी। जो क्लोरोमोनाडिनी है ये चमकदार हरे रंग की होती हैं, और इसमें मुख्य रूप से क्लोरोफिल क्लोरोफिल पाया जाता है, पायरेनॉइड्स का इसमें अभाव होता है, और संचित भोजन इसमें वसा तथा तेल होती है, और लगभग इसमें दो समान कशाभिकाएँ जो होती हैं वो गतिशील होती हैं वो पाई जाती हैं, और इनमें लैंगिंग जनन जो है वो अनुपस्थित होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी क्लास आती है उसको युगलिनी कहते हैं, या युगलिनी जो होती है क्लास, ये शैवाल प्रायः ये ज़्यादातर एक कोशिकीय शैवाल होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं और इनमें फ्लैजिला पाया जाता है, कभी कभी ये कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं। युगलिनी के बाद जो नेक्स्ट है वो उसको फियोफाइसी कहते हैं। इसको भूरे रंग के शैवाल होते हैं, ब्राउन एल्गी होते हैं, क्योंकि इनमें जो मुख्य रूप से वर्णक होता है वो भूरे रंग का फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है। इसके जो थैलस होता है वो तंतुमयी होता है, फिलामेंटस होता है, या फिर वेल ऑर्गेनाइज्ड पेरेन्काइमेटस, सुसंगठित पेरेन्काइमी भी हो सकता है, और इसमें जो संचित भोजन होता है वो लेमिनेरियन स्टार्च पाया जाता है और एल्कोहल तथा इसमें मैनिटोल भी पाया जाता है, और इसमें जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो द्विकशाभिक या बायोफ्लैजिलेट होती हैं, और इसमें कशाभिकाएं लेटरल और सब एपिकल होती हैं, और लैंगिंग जनन इसमें आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या हेट्रोगैमस हो सकता है। इसके बाद आती है क्लास रोडोफाइसी। रोडोफाइसी जो है उसको लाल एल्गी या रेड शैवाल कहते हैं, लाल शैवाल कहते हैं, और इसका जो मुख्य वर्णक है वो आर फाइको इरिथ्रीन और आर फाइकोसाइनिन पाया जाता है। इसका जो संचित भोजन है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। इसकी जनन कोशिकाएं जो है वो अकशाभिक होती है, मतलब कि इसमें
फ्लैजलेटेड सेल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, और ये सबसे इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या जो इसके जनांग है वो सबसे अधिक विकसित इसमें पाए जाते हैं, और जनन इसमें विषम युग्मकी प्रकार का होता है। और इसके बाद आती है मिक्सोफाइसी क्लास। मिक्सोफाइसी क्लास जिसको हम लोग साइनोफाइसी भी कहते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, इसमें जो ब्लू ग्रीन कलर है मुख्य रूप से इसमें फाइको सी फाइकोसाइनिन पाया जाता है, जिसके वजह से इसमें ब्लू ग्रीन जो क्लोरोफिल ए के साथ जो इसमें फाइकोसाइनिन पाया जाता है जिसमें ब्लू ग्रीन कलर देता है, इसके सेल्स जो है मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक होते हैं, और इसकी जो सेल वॉल होती है वो म्यूकोपॉलीमर से बनी हुई होती है, और इसका जो संचित भोजन होता है वो मुख्य रूप से साइनोफाइसिन स्टार्च और ग्लाइकोजन पाया जाता है। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अनुपस्थित है, और जो अलैंगिक जनन है वो एकाइनाइड्स और हार्मोगोनिया के द्वारा संपन्न होता है। तो ये फिश की क्लासिफिकेशन मैंने आपको इसका जो ब्रीफ आउटलाइन आपको दे दिया है। मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि इसमें 11 क्लासेस जो हैं वो प्रपोज थी। अब इसकी जो मेन इनकी जो कैरेक्टर्स हैं वो मैं आपको पीडीएफ में भेज देती हूँ, और इनका जो इनका कंपैरेटिव अकाउंट है वो भी आपको भेज दूँगी। थैंक यू।